हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मक्के के ढोकले। तो इसके लिए मैंने मक्के का आटा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें सौंफ, और इस पर डालेंगे हम थोड़ी सी अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा मीठा सोडा। इससे हमारे ढोकले सॉफ्ट बनेंगे। और इसमें डालेंगे हम 1/2 कटोरी हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम इन्हें सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसको हल्का निवाया पानी डालकर इसको इसका डो लगाएंगे। तो देखिए, अब हमारा डो लगकर तैयार है। ये हमने सेमी टाइट रखा है। और अब हम इसके लिए कुकर में पानी गर्म रखेंगे। अब हम इसका छोटा सा पार्ट लेंगे और इसे राउंड शेप में बनाएंगे इस टाइप से। और आप चाहें तो इसे गोल बनाकर इसके बीच में ऐसे होल करके भी बना सकते हैं। इट्स योर चॉइस, आप ऐसे बनाना चाहते हैं या ऐसे। अब हम सारे ढोके ऐसे ही ढोकले बना लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ढोकले बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें बॉइल वाटर में डालेंगे। तो हमारा पानी भी उबल रहा है। तो देखिए, हमारा पानी उबल चुका है और अब हम इसमें ये ढोकले डालेंगे। और हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 2 सीटी लगवाएंगे। तो हमारे ढोकले बनकर तैयार हैं। इन्हें आप घी के साथ, दाल के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मक्का के गर्मा गर्म ढोकले बनकर तैयार हैं। आप इनका घी के साथ, हरी चटनी और दाल के साथ आप इनका मज़ा ले सकते हैं। ये सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।